हमारे साथी विधायक भाई जयवीर वाल्मीकि जी और महम से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हमारे बहादुर साथी भाई आनंद सिंह दांगी जी और पूर्व विधायक हमारे भाई संत कुमार जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, पूर्व विधायक भाई सुखबीर फरमाना जी, पंडित प्रेम अत्री जी, गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और सभी पूर्व चेयरमैन साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जिले की निर्मला राठी जी, निर्मल बलारा जी व राजबाला जी, सतीश बंधु जी, देवेंद्र भारत जी, कर्नल रोहित जी व उपस्थित मैसूर के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति, जैसा इन्हें बताया, आप सबने पता है, मेरे को भी पता है कि जहां तक इस गांव का सवाल है, इस गांव से पूरा आशीर्वाद मिलता रहा है, हर बूथ पे जीत के निकले हैं, कभी ऐसे उस बात की जब कोई दोहराई नहीं। लेकिन 2014 का चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार बनी और 19 में फिर चुनाव हुआ, बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी जेजेपी से। तो इस 9 साल में क्या हुआ, देखो वैसे तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, हर समय मेरे को मिला है, चाहे वो मैं एमपी रहा, विपक्ष का नेता रहा पहले, और 10 साल मेरे को प्रदेश की सेवा करने का बतौर मुख्यमंत्री मेरे को मौका मिला है। तो मेरी कोई लालसा नहीं है ना कोई बहुत ज्यादा इच्छा, कि मेरी उम्र 75 साल 76 में हो गया, 76 साल के हो गया, लेकिन मेरे मन में ठीस दर्द है। एक वो ये है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9 साल के बाद जब देखते हैं, मैं नहीं कहता सरकारी आंकड़े हैं, जो एनालिसिस करते हैं उनके आंकड़े हैं, हमारा हरियाणा आज किस चीज में नंबर 1 है, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, आज नंबर 1 हो गया अपराध में, आज हम आगे बढ़ गए हैं महंगाई में, और भाई कर्जा जो है ना, बजट से भी ज्यादा कर्जा हरियाणा पे है, 4 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। इस बात की मेरे नोटिस, आज मेरे जो बेरोजगार है, एक नया सिस्टम चला दिया कौशल रोजगार निगम, ये हमारे युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, ना तो कोई पक्की नौकरी देते, एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जब मर्जी कह दो, जबकि इनका ये वायदा था कि भाई ठेका सिस्टम हम खत्म करेंगे, ये खुद ठेकेदारी शुरू कर देंगे, और वहां जितने घपले हो रहे हैं आप स्वयं देख रहे हैं, कोई नौकरी लगाने का काम नहीं, कोई लगाते हैं। तो दांगी साहब ने जैसे कहा, इंजीनियर्स की लिस्ट निकली थी, 100 के करीब इंजीनियर लगे बिजली उसमें, तो 90 बाहर के, हमारे बच्चे कहां जाएंगे भाई, हमने इतने कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, इतनी यूनिवर्सिटी खोली, हिंदुस्तान का कोई ऐसी संस्था नहीं है शिक्षा की जो आज हरियाणा में ना हो, फिर भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं। तो ये है आपके सामने स्थिति, इस बात की है, अपराध में बेरोजगारी नंबर 1, अपराध में हर जगह हर उसमें, तो ये आज स्थिति है। देखते हुए जैसे मैंने कहा मेरी लालसा नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर कि बेशक 75-76 साल का हो गया, लेकिन एक लड़ाई और इनसे आर पार लड़ने के लिए तैयार हूं भाई, ये बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है, हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठे हैं और कोई सुने ना, हरियाणा सरकार मूक दर्शक बनी रहे, इससे ज्यादा क्या होगा, बर्दाश्त नहीं हो रही बात।
और भाई प्रजातंत्र है, नाराज है तो क्या है, तो इसी वास्ते मैंने फैसला करा भाई मैं तो तैयार हूँ आर पार की लड़ाई देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैंने कहा मैं अपने लोगों से, अपने भाइयों से, छत्तीस बरादरी से पहले उनसे बात करूंगा, उनसे इजाजत लूंगा, उनका सहयोग लूंगा और उनसे पूछूंगा भाई वो साथ देंगे तो मैं तैयार हूँ, ये पूछ लिया है तमाम। अब सवाल इस बात का आता है कि अब मैंने कहा तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा भाई आप संघर्ष शुरू कर रहे हो, लोग आपको साथ कह रहे साथ देंगे हम, तो आप कांग्रेस की सरकार बनी तो आप क्या करोगे। मां बाजू ने तमाशा कर रखा है ना हमारे साथ, क्या एक को चला दिया परिवार पहचान पत्र, उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है 5 लाख तो बुजुर्गानी पेंशन काट दी और 10 लाख गरीब आदमी की राशन कार्ड काट दिए, ये परिवार पहचान पत्र है। एक और चला दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भाई खेत में दाने लिकड़ गए, खेत में दाने पड़े हैं और ऊपर तक राम गर्दन लाग रहा है, लेकिन किसान बाट देखे तब तेरा नंबर आओगा मंडी में जब लाइन में लागिए, अरे एकदम मंडी में नंबर आओगा इतने दाने खराब हो जाएंगे बरस गया तो। ये है तो पहला नहीं दाने लगते यहाँ, हमने दाने लिकड़े सीधे मंडी में पहुंच गए, भाव भी ठीक मिलता था, अब भाव भी नहीं, एमएसपी भी नहीं मिलती, सरसों का एमएसपी 54-54 और किसान मजबूर हो रहा है बेचने के लिए 4200-4600 में 1-1000-1500 रुपए प्रति क्विंटल कम। इसी प्रकार धान में तमाशा बना, गन्ने का देख लो 9 साल में 10 रुपए बढ़ाए भाई, क्या हुआ। तो हर वक्त परेशान है, हमने जो गरीब आदमी स्कीम शुरू करी थी 100-100 गज के प्लॉट देने के लिए 3,82,000 हमने प्लॉट दिए, 100-100 गज के मकान भी बनवाए हमने, बहुत में बिजली कनेक्शन भी दिए, इन 9 साल में एक किसी को प्लॉट दिया हो तो बता दो भाई, पूरे हरियाणा में हमने दलित को, बैकवर्ड क्लास को, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट दिए। बीपीएल में हम भाई मिट्टी का तेल भी दिया करते और भी सामान देते थे, चीनी भी देते थे, वो भी बंद कर दी हमने। तो ये बात देख के मैंने फैसला किया है तो आपको इजाजत लेना है। वो सवाल ये पत्रकार ये पूछे भाई आप बन गए तो क्या करोगे, तो मैं हम करेंगे जो कहते हैं वो करते हैं, पहला काम तो करेंगे भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए भी ना करेंगे, 6,000 बुजुर्गों के 6,000। दूसरा जो 100-100 गज के प्लॉट बंद कर रखे ये देना चालू कराएंगे, मकान बनवाना शुरू कराएंगे गरीब आदमी का, और बच्चों का वजीफा, गरीब आदमी बच्चों का वजीफा शुरू करेंगे। तीसरा जो 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे, किसान को भाव से कम कोई खरीदेगा, कोई भाव से कम खरीदेगा जो करीब सरसम खरीदने लगे उसकी कानूनी तौर पे सजा करेंगे जो खरीदने वाले को, ताकि कोई किसी की हिम्मत ना हो किसान के साथ ठगी करे। चौथा भाई ये कर्मचारी है, कर्मचारी क्या है भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वो तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और भाई 1,82,000 पद खाली छोड़ रखे ने, मैं वो अपने बच्चों को नौकरी लगाए, हम बाहर के लगाएंगे, हम जो नौकरी लगाएंगे सरकारी नौकरी देंगे और व्यवसाय करेंगे। और ये मेरी बहन बेटियां बैठी है यहाँ पर, ये भाई सब गैस का सिलेंडर, गैस पर रोटी बोल लागी, और गैस के सिलेंडर का हो गया भाव 1,150, तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 500 से फालतू किसी को गैस का सिलेंडर, ताकि सब हर वक्त खुश हो सके। इस प्रकार से भाई ये करना है जो क्या, तो आज मैं यही पूछना आया हूँ तेरे से, तुम्हारी इजाजत हो, आशीर्वाद हो, वो तो तुमने देखो
पहले भी एमएलए तो बना दिया था, अब भी आपकी कदर पे हल्के मार की जरूरत नहीं, सब ये कह रहे हैं। वो तो ठीक है, वो तो थारा भरोसा है ये हल्का तो, लेकिन राज लेना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक डेढ़ साल का संघर्ष है, खाली अपने हल्के हल्के से नहीं भाई, हमारे को संघर्ष बाहर करना पड़ेगा। तो हल्के में तो थम हो, लेकिन साथ अगर बाहर भी थारी जरूरत होगी तो तुमको आना पड़ेगा, तैयार होगी ये बात है। इसलिए आया हूं तो मैं, हो जाऊं भाई से ले लूं हार पार की लड़ाई, हाथ जोड़ के हाथ खड़े करके बता दो भाई।